बच्चों हाउ आर यू हेलो बच्चों हाउ आर यू एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल बच्चों एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल बच्चों जल्दी से बता दो बच्चों एम आई ऑडिबल हेलो एम आई ऑडिबल बच्चों आवाज नहीं आ रही है क्या तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के चैनल अन अकेडमी सी एस आई आर नेट पे बच्चों माई नेम इज अमित कुमार तिवारी I'm a 10 है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड होगा और बहुत ही गजब का लेक्चर होने जा रहा है आज आप काफी नई चीजें सीखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ठीक है बच्चा तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं डीआरडीओ साइंटिस्ट भी रह चुका हूँ और आप मेरी अगर अलग अलग उसमें एग्जाम्स में रैंक देखना चाहते हैं तो वो आपके सामने है ठीक है हम लोग बच्चा सफलता बैच हमने अभी अठारह जनवरी को लॉन्च किया है ये उसी का एक पार्ट है जिसमें हम आपको कंप्लीट केमिस्ट्री बैच पढ़ा रहे हैं मैं अमित कुमार तिवारी और ऋचा मैम मिलकर ठीक है हमने आपको बताया था कि ये कोर्स तीन जगह मिला के पढ़ाया जाएगा जहाँ पे सेवेंटी फाइव परसेंट कोर्स फ्री रहेगा और ट्वेंटी फाइव परसेंट पेड रहता है बच्चा तो आप देखोगे जैसे केमिकल जो है ये मेरा प्लस पे पेड़ है और ये चालू हो चुका है बच्चा यहाँ पे मैं रोज छह बजे आपको पढ़ाने आता हूं। ठीक है केमिकल देखिए जनवरी में मैं पढ़ा रहा हूँ और ये आज खत्म हो जाएगा बच्चा ठीक है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में फरवरी में केमिकल बॉन्डिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे ठीक है और इसीलिए जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लो सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ताकि आप लोगों को ये वीडियोज मिलती रहे फ्री में और हमारा अन अकेडमी का ये जो चैनल है इस पर ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे और मेरा ये जो बेसिक कोर्स ऑन केमिकल कैनेटिक्स जो स्टार्ट हो चुका है जिसके तीन लेक्चर तो हो चुके हैं आज चौथा लेक्चर है ट्वेंटी नाइन जन को सिक्स पी पे वो देखने के लिए आप प्लस पे आ सकते हो तो इसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उसके इतने सारे फायदे हैं उसका जो स्टेप्स है वो देख सकते हैं कि आप आराम से कैसे उसको फॉलो करें और यहाँ पे आके आप सब्सक्रिप्शन करते हुए कोड कोड लगा दीजिए लगाने से आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा ये दस हजार तीन सौ पंचानवे चौबीस महीने की पंद्रह हजार एक सौ बीस यहीं पे आप हमारा आइकॉनिक कोर्स भी ले सकते हो जहां पे आपको पर्सनल कोच और पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी मिलता है ठीक उसकी बारह महीने की फीस पंद्रह हजार और चौबीस महीने की फीस है बीस हजार अमित Because Amit is my name and it is never about me. It is always about us. And after applying that code, get 10% off. So बच्चा, let's do the recap now. Let's do the recap. Electro negativity के बारे में मैंने आपको बताया था. फिर मैंने बताया था कि हम ये तीन scale पढ़ेंगे. इन तीन scale की मैंने definition बताती थी आपको. पहला scale Pauling electro negativity वाला. दूसरा मोलिकन स्केल इसको काई एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरा ऑलरेड रोशो का स्केल जिसको हमने ये बताया था और ये जो आर स्कोल था, ये था। तो आज के क्वेश्चन में आर लिख सकते हो प्लस जीरो पॉइंट सेवन फोर फोर यहाँ पे जो आर रहेगा वो रहेगा पिकोमीटर ठीक सिमिलरली आप इसे इसके बराबर भी लिख सकते जीरो पॉइंट थ्री फाइव नाइन जीरो divide by r square plus 0.74 तो ये 0.359 आएगा जब r रहेगा एंगस्ट्रॉम में तो आपको बस यही देखना था और आपका काम बन जाता है है ना बच्चा ठीक है और ये आपको मैंने स्केल बताया था कि ये स्केल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि बच्चा मैं इस स्केल में ये वेरिएशन आ कैसे रहा है हम उसके ऊपर बात करेंगे यस बच्चों जल्दी से बताओ जल्दी से यस क्या स्टार्ट क्या स्टार्ट गुड आफ्टरनून आयोशी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चो शैल आई स्टार्ट? Yes. Okay. देखो बच्चा तो हमने जो ये येड रोशो स्केल पढ़ा है ना ये पूरा का पूरा आपकी जो वैल्यूज आ रखी है उसको डिफाइन कर सकता है तो आपको एक बात यहाँ पे समझ लेनी yes? है ना ये बात हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं बच्चा अब अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को बच्चा ध्यान से देखिएगा इस चीज को होता क्या है डाउन द ग्रुप जाते हुए यहां पे तो आपको सबको पता है यहां पे आर स्केर और आर आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर होता है यस yes? राइट right? तो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं मतलब सिंपल सा फंडा होता है बच्चा कि ये जो आर है ये जो आर है तो अगर आपका एन डोमिनेंट होता है ध्यान से देखना अगर आपका एन डोमिनेंट होगा डाउन द ग्रुप की बात चल रही है अगर आपका एन डोमिनेंट होता है ध्यान से देखना अगर आपका एन डोमिनेंट होता है, तो बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी और अगर आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो तो बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी यस और नो बच्चा जल्दी बताओ यस और नो जल्दी बताओ यस और नो जल्दी बताओ नोटिफिकेशन नहीं आया मनस बच्चा फिर भी आप अपने उसकी वजह से चार बजे चेक कर लिया करो मतलब चार पांच चार दस अगर नोटिफिकेशन ना भी आए ना तो चार पांच चार दस पे चेक कर लिया करो बच्चा ठीक है कई बार नहीं आता है कई बार नहीं आता है बच्चा आप लोगों ने बताया नहीं ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों जल्दी बताओ यार क्या करें शुरू करें भाई कि नहीं करें क्या बोल रहे हो आप लोग देखो बहुत आसान है तो यहां से यहां आप देखोगे यहां से यहां तक अगर आप जाओगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है क्यों डिक्रीज कर रही है बच्चा एन डोमिनेंट और यहां पे और यहां पे सेम है क्यों सेम है भाई क्योंकि एफ कॉन्ट्रैक्शन आ गया था यस 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 यहां पे भी अगर आप जाओगे और यहां पे भी सेम है क्यों सेम है यहां पे भी सेम है क्यों सेम है डी कॉन्ट्रैक्शन की ध्यान से देखते जाना आपको मजा ही आता जाएगा सिमिलरली वैसे डिक्रीज कर रही है क्योंकि एन है इन दोनों की सेम है क्यों सेम है क्योंकि डी कॉन्ट्रैक्शन है और फिर इन दोनों की सेम है क्यों सेम है एफ कॉन्ट्रैक्शन है यस बच्चा अरे हाँ कि ना यस yes? तो आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से काई पॉलिंग की बात कर रहा हूं देखो राइट right? है ना बच्चा क्यों ये डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एफ कॉन्ट्रैक्शन की सही है अरे सही है तो ये तो हो गया हमारे ग्रुप वन और ग्रुप टू S ब्लॉक यहीं खत्म हो गया। अगर हम पी ब्लॉक पे जाए अगर हम पी ब्लॉक पे जाए तो ग्रुप थर्टीन अगर मैं देखूं ग्रुप थर्टीन का ये ऑर्डर है ग्रुप फोर्टीन को मैं देखूं, ये आपको पता ही है ये क्यों हुआ था बाकियों की निकाली नहीं सही सही है, सही है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा देखो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो क्या पूछे जाता है तो देखो पहला क्यों देखने को मिला क्योंकि ये D -contraction. सही है, और ये क्यों देखने को मिला क्योंकि ये एफ कॉन्ट्रैक्शन सिमिलरली यहां पे सबका ज्यादा है पर एस बी की बिस्मत की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है क्यों ज्यादा है क्यों है एफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह और बाकी ये ग्रुप सिक्सटीन एटीन तो नॉर्मल है क्लियर है कि नहीं क्लियर तो ये तो डाउन द ग्रुप्री क्लियर है क्लियर है गेलियम का इंडियम का गेलियम से क्यों ज्यादा आया ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव की वजह से ही आया ये हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ऐसे ही हम जर्मेनियम और इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे पर जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं एस एन और टेन की बराबर लेड की बराबर क्यों आई एफ कॉन्ट्रेक्शन की क्लियर है बच्चों हो गया क्या बच्चों हो गया क्या और जब आप यहां आ जाओगे जरा ध्यान से देखना शुरू करना बच्चा यहां जब आ जाओगे तो यहां जब आ जाओगे तो यहां तक तो ठीक है असली में दिक्कत शुरू होती है यहां से यहां पे दोनों बराबर हो गए तो ये वैल्यू कम हो जाती डिक्रीज हो जाती है असली में दिक्कत शुरू होती है यहां से ध्यान से देखना ये देखो 1.9 1.9 और ये वैल्यू इंक्रीज ये वैल्यू इंक्रीज ठीक वो तो ठीक है देखो, ये देखो 1.8 ये ठीक है ये दोनों वैल्यू सेम और यहां तो वैल्यू इंक्रीज मिल गई अब यहां भी इंक्रीज मिल गई क्लियर है बच्चा मनस असल में क्या है असल में क्या है बच्चा मैं आपको समझा देता हूं वैसे एफ कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट बिस्मत पे होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है होता है ये नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूं कि होता है पर वो आयोनाइजेशन के एनर्जी के केस में जो वैल्यू चेंज है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी इसका इफेक्ट है आप समझिए पर पर जो वैल्यू चेंज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन दिस और नॉट यहां इंक्रीज कर गया है यहां तो बहुत ही इंक्रीज ठीक है तो गोल्ड के केस में ये ये ग्रुप 11 और ग्रुप ट्वेल्व में जो सेकेंड रो थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू ये क्या नाम है इसका सेकेंड रो ठीक है ये आपको याद करना है ये सब हो क्यों रहा है सब एफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से हो रहा है इट इज ऑल ड्यू टू ऑल ड्यू टू और यहां पे थर्ड रो ग्रुप इलेवन और ट्वेल्व में दो इफेक्ट्स आ रहे हैं यहां पे ये यह सब इन दोनों का आंसर क्या है इन दोनों का आंसर है एफ कॉन्ट्रैक्शन एफ कॉन्ट्रैक्शन और ये गोल्ड और सिल्वर में जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है गोल्ड और मरकरी में सॉरी गोल्ड और मरकरी में जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है रेलेटिविस्टिक इफेक्ट ये जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये होता है रेलेटिविस्टिक इफेक्ट का बच्चों मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इसके बारे में हम कल बात करेंगे जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पे जाएंगे जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पे जाएंगे तब हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की बात करेंगे बच्चों तो गोल्ड एंड सिल्वर में ये बहुत बड़ा गोल्ड और मरकरी में ये ज्यादा रोल बड़ा प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू एफ कॉन्ट्रेक्शन ओके, वी विल लर्न इट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न इट इन द नेक्स्ट क्लास जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट देखेंगे जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट देखेंगे हम लोग वहां पे कर लेंगे बच्चों चलेगा चलेगा बहुत लोगों ने इसका सिर्फ नाम सुना होगा समझ तो नहीं आया होगा कभी बहुत लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा समझ नहीं आया होगा कभी नेक्स्ट क्लास में पक्का समझ में आएगा ये मेरी गारंटी नेक्स्ट क्लास में पक्का समझ में आएगा ये मेरी गारंटी ठीक है नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स तो ये बच्चा रिसर्च पेपर है जहां से मैं वैल्यूज ले रहा हूं ये जेम्स ई e. हुई ने लिखा था रिसर्च पेपर ये जेम्स ई e. हुई ने लिखा था रिसर्च पेपर है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही जरूरी चीज है समझने के लिए <laughs> मैं उसमें से एक मनस कर रहा अरे तुम नहीं बहुत लोग हैं बहुत लोग हैं कल नेक्स्ट क्लास में समझ आ ये मेरी गारंटी है बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग ठीक है तो आपको मैं रिसर्च पेपर अभी दिखाई देता हूँ ताकि आप लोगों को ये हो जाए कि हाँ मतलब ये इंसान गलत जगह से नहीं पढ़ाता है ठीक है तो आप अगर देखेंगे ये देखें ये रिसर्च पेपर है बच्चा ये देखें ये जीएमसी हुई का रिसर्च पेपर है जो 1965 में किया था इसमें से इन्होंने क्या किया था इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स की वैल्यूज निकाली थी तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे आप देखोगे काई पी करके लिखा हुआ है हाँ ये जो काई पी है ये ये जो काई पी है ठीक है बच्चा ये पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रुप्स की ठीक है तो मैं आपके सामने वो वैल्यूज लिखूंगा जो इनकी मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है जो हमें आगे हमारी केमिस्ट्री में बहुत काम आती है जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उस दौरान इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत काम आती है ठीक है तो मैं वो वैल्यूज आपके लिए लिखने जा रहा हूं ताकि आपको आगे चल के कहीं दिक्कत ना हो ठीक है बच्चा लिख लीजिए ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स अगर आप सी एच थ्री की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं इट इज ये पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एफ है बच्चों प्लीज राइट इट डाउन प्लीज राइट इट डाउन as आर नोन एज These are आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी groups. प्लीज राइट डाउन अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं मजा ना आ जाए तो बोल देना मुझे मजा ना आए तो मुझे बोल देना मुझे. ठीक है डन तो देखो बच्चों और ये वैल्यूज आपको पता ही है ये वाली वैल्यूज आपको पता ही है।, है ना तो जब आप सी एच थ्री आई प्लस ओ एच नेगेटिव रिएक्शन कराओगे तो क्या रिएक्शन होगी जल्दी बताइए और जब आप सी एच थ्री आई प्लस ओ एच माइनस रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा जल्दी बताइए डक्ट बताइए प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स बताइए आयुषी का पहले का आंसर आ गया सी एच थ्री ओ एच और बिल्कुल बहुत सही तो ये वेरी गुड ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ लीव कर देगा ये बन जाएगा सी एच थ्री ओ एच प्लस आई माइनस एस एन टू रिएक्शन हो जाएगी यस इसका प्रोडक्ट बताइए जल्दी इसका प्रोडक्ट बताइए यस yes. तो so, जैसा कि आपको पता है अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे जाऊं ठीक है तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे जाऊं अगर आप सी एच थ्री की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो वो है टू पॉइंट टू सेवन आयोडीन की देखोगे तो वो है टू पॉइंट फाइव और सी एफ थ्री की देखोगे तो वो है थ्री पॉइंट फोर सिक्स थ्री पॉइंट फोर सिक्स ठीक तो आपको पता है यहां पे तो सी एच थ्री और आई के बीच की है तो डेल पॉजिटिव यहां था तो एंटी इसके साइड जो भी ठीक है डेल पॉजिटिव यहां था ये यह इसको लीव कर रहा है ठीक तो ये आराम से और यहाँ पे आप देखोगे कि अब जो डेल पॉजिटिव है वो आई पे है इसीलिए जो अटैक होगा वो अब आयोडीन पे होगा और सी एच थ्री माइनस लीव करेगा तो ऑब्वियसली प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहां पे क्यों क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ये बन जाएगा क्लियर क्लियर यस यस बच्चा यहां पे भी एसेंटू रिएक्शन आई नहीं हमेशा वो काम नहीं आएगा ना बच्चा वो हमेशा काम नहीं आएगा ना यहाँ तो ओ एच मतलब वो हमेशा काम नहीं आएगा ना बच्चा वो तो मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात को पर जो इसका रीजन है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं तो बच्चों देखो तो इतना समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ तो इतना समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ क्लियर है ये बच्चा जून 2018 का क्वेश्चन था जून 2018 का क्वेश्चन था फोर मार्क्स तो बताओ सी एफ थ्री की वैल्यू आपको पता है थ्री पॉइंट फोर सिक्स है और NF2 टू की वैल्यू भी आपको पता है थ्री पॉइंट सिक्स फोर टू की वैल्यू भी आपको पता है NF2 टू की वैल्यू आपको पता है OH की वैल्यू भी आपको पता है और NF2 की वैल्यू आपको पता है Yes CH3 की वैल्यू भी आपको पता है C2H5 की मैंने नहीं बताई है लेट सी क्या होता है वैसे देख लेंगे कोई इश्यू नहीं है ठीक है तो पूछ रहा है ज ग्रेटर वैल्यू भाई थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट फोर सिक्स फोर से ग्रेटर थोड़ी ना होता है गलत सही सही बात है OH has greater value than NF2. है स्थी. तो B सही है. और ए और सी गलत है ए यहां है तो ये कैंसल आउट सी यहां है कैंसल आउट सी यहां है कैंसल आउट आंसर फोर्थ आ गया बी एन टी तो बेसिकली सी एच थ्री एंड सी टू एच फाइव की भी सिमिलर वैल्यूज होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया और अगर मैं वैल्यूज देखना चाहूं, अगर मैं वैल्यूज देखना ही चाहूंगा तो मैं देख तो लूंगा 2.28 होती है ये देखिए, CH3 CH2 की 2.28 होती है अगर आप यहां पे वैल्यू लिखना भी चाहें बच्चा तो यहां पे अगर आप सीएच थ्री सी एच टू की वैल्यू भी बीच में लिखना चाहें तो टू पॉइंट टू एट होती है क्या चाहो तो लिख लो सही है? याद नहीं रखना पड़ता है बच्चा देखो कॉन्सेप्ट देखो मैं आपको बताता हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं आसानी से राइट ध्यान से देखना इस चीज ठीक है मैं आपको तरीका बताता हूं देखो यहां पे H की जगह CH3 जुड़ा है तो ये वैल्यू तो आपको याद रहेगी 2.27 पॉइंट टू सेवन ये वैल्यू आपको याद मतलब रहती है सी एच थ्री की वैल्यू याद रहती है ठीक है टू पॉइंट फाइव हम लोग याद रखते हैं ठीक है थीक है ये ये क्लियर उसके बराबर है, लग बग लग बग बराबर ही नियरली इक्वल और और लगभग लगभग नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ते जा रहे हैं ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी करेगी हाँ ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी थ्री पॉइंट फोर सिक्स और एन एफ टू की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी थ्री पॉइंट सिक्स फोर दोनों वैल्यू आपस में याद रखनी क्लियर कॉमन सेंस से कॉमन सेंस से आप हमेशा बता सकते हो कि NF2 की वैल्यू सी एफ थ्री से ज्यादा होगी क्यों ज्यादा होगी बच्चा क्योंकि नाइट्रोजन इज ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड फ्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन ही जुड़े हुए हैं सही है? याद हो गया एनएच टू विल बी ग्रेटर देन सी एच थ्री ये भी सही है एन एफ टू विल बी ग्रेटर देन एनएच टू ये भी बात सही है ओ OH, एच तो आपको जो असल में याद रखना है वो ये याद रखना है देखो असल में जो याद रखना है वो ये याद रखना है है और सी एफ थ्री जो होता है ये ग्रेटर देन क्लोरीन होता है बट लेस देन फ्लोरीन है ये दो बातें आपको याद है चलेगा और आपको लगता है वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी अगर आप एक बार लिख लोगे तो वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे वो आपके ऊपर सही है अरे सही है कि नहीं सही है और ये वाली जो बात है ना केमिकल बॉन्डिंग में काम आएगी मैं आपसे पूछूंगा ये वाली जो बात है ये केमिकल बॉन्डिंग में आएगी मैं आपसे पूछूंगा लगा? पर कैसा लगा और कैसा लगा बच्चों ये कोई नहीं पढ़ाता बच्चा तो दिस वॉज तिवारी स्पेशल दिस वॉज तिवारी स्पेशल क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है तो ये ऑथेंटिकेटेड तो है ही है क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है तो ये बात तो पता लग गई आपको कि इट इज नॉट अ वेस्ट ये जरूरी है पढ़ना ठीक है बच्चा और ये एग्जाम्पल भी मैंने हुई से ही लिया है हुई बुक है ठीक बच्चा जल्दी से तो बच्चा आज के लिए इतना ही इसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने कर दिया कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन पेयर इफेक्ट बच्चे जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को लाइक करते हुए शर्म नहीं करनी हमें सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ठीक है और आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे अमित कोड लगाइए और टेन परसेंट ऑफ पाइए बारह महीने के पीस दस हजार तीन सौ पंचानवे चौबीस महीने के पंद्रह हजार एक सौ बीस और यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं आइकॉनिक कोर्स के लिए आप लोग पर्सनल कोच और पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग रख सकते हैं तो चौबीस महीने के पीस दो हजार ए अमित नहीं बोलना बिकॉज अमित इज माई नेम एंड इट इज नेवर अबाउट मी एंड अबाउट अस क्वेश्चन ये है